नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप अरात्रिक में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि सावन की जो सोमवार होते हैं उस दौरान अगर आप अभिषेक करते हैं तो विशेष रूप से आप भगवान शिव के 8 चीज़ों से किस तरीके से अभिषेक कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे हम प्रतिदिन जो है ना सावन के दिनों में भगवान शिव के अभिषेक करते ही है, सोमवार के दिन थोड़ा विशेष रूप से करते हैं या फिर सावन जो शिवरात्रि होते उस दिन भी थोड़ा विशेष रूप से उनके अभिषेक करना चाहते हैं। तो इसमें हम प्रतिदिन की जो पूजा में करते हैं सावन के दिनों में, तो उसमें तो चंदन का पानी होता है, नॉर्मल जो जल होता है उससे भी हम जलाभिषेक करते हैं, दुग्धाभिषेक करते हैं केवल दूध से जो है, और गुलाब जल से भी कई लोग अभिषेक करते हैं, और साथ में जो है कुछ और भी प्रकार के जल बनाए जाते हैं उसे लेकर भी, जैसे अगरू के जल से भी भगवान शिव को नहलाया जाता है, चंदन के साथ अगरू मिलाकर और कुछ और द्रव्यादि मिलाकर भी जो है ना भगवान शिव को नहलाया जाता है। पर मैं आज आपको बताने वाला हूँ जो कि आप सोमवार के दिन जो भगवान के पंचामृत अभिषेक करते हैं उसे 8 चीज़ों के साथ किस तरीके से आप कर सकते हैं। 8 चीज़ों के साथ जो है ना अगर आप भगवान शिव के अभिषेक करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे कहा जाता है ना कि भगवान शिव के नाम जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है 108 बार जो आप करें तो ये बहुत अच्छा है, और अगर आपके पास समय अभाव है तो कम से कम 8 बार आपको जप करना चाहिए। तो उसी तरीके से इन 8 चीज़ों से अगर आप भगवान शिव के अभिषेक करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है सावन के दिनों में। प्रतिदिन अगर नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप केवल सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, और दूसरे दिनों में जैसे आप चंदन के जल से, कपूर के जल से या फिर दूसरे प्रकार के जो भी सारे जल होते हैं उससे आप जो भी अभिषेक करते हैं, दूध से भी केवल अगर अभिषेक करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, पर सोमवार के दिन अगर आप इन 8 चीज़ों से या पंचामृत से अभिषेक कर पाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और शिवरात्रि जो होता है सावन के उस दिन खासकर अगर आप इस चीज़ का अभिषेक करते हैं ना तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना गया है। दोस्तों भगवान शिव को अभिषेक बहुत ही प्रिय होता है, चंदन बहुत ही प्रिय होता है, भस्म जो है वो बहुत ही प्रिय होता है, उन्हें धूप की सुगंध जो है वो बहुत ही प्रिय होता है, और उन्हें बेल के पत्र जो है वो बहुत ही प्रिय होता है, जो धतूरे का फल होता है वो भी उन्हें बहुत ही प्रिय होता है। दोस्तों वो जो है ना सब त्यागों की चीज़, यानी जो सारी चीज़ जो है इस सृष्टि के साथ जाकर विलय हो जाता है उन सारी चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा ग्रहण करना पसंद करते हैं। ऐसी चीज़ नहीं है कि जो सारी चीज़ें हमारे संसारी लोगों की चीज़ें हैं वो भगवान शिव को प्रिय नहीं है उतना, जो कि संसार से भी ऊपर है, जो कि इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में आकाशमय है, उन सारी चीज़ों को भगवान शिव मूल रूप से ग्रहण करना ज़्यादा पसंद करते, क्योंकि आकाश जो होता है वो त्याग का प्रतीक होता है, आकाश में सारी चीज़ें समाहित हैं, तो इसलिए जो है भगवान शिव आकाश तत्व के रूप में भगवान शिव की पूजा होती है, और भगवान शिव के निराकार ओमकार के रूप में भी उनकी पूजा की जाती है, इसलिए त्यागों की जो चीज़ें होती है उसी से भगवान शिव की मूल रूप से पूजा होती है, पर अभिषेक जो है ना वो भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है। तो अभिषेक में जैसे कि पंचामृत में आपको दूध लेना है, आपको दही लेना है, आपको शक्कर यानी मिश्री ले सकते हैं आप उस जगह पर, आपको घी लेना है, आपको मधु लेना है, यानी कि दूध लेना है, दही लेना है, आपको मिश्री लेना है, आपको घी लेना है, आपको शहद लेना है, इसके साथ ही आपको मिलाना है दोस्तों बेलपत्र का चूर्ण, अगर भांग मिल जाए तो वो आप मिला सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि भगवान शिव को भांग के अभिषेक जो होते हैं ना वो बहुत ही प्रिय होता है। मैंने महाकालेश्वर मंदिर में भी देखा है, वहाँ पर भी भांग से भगवान शिव की अभिषेक की जाती है, और बनारस में भी मैंने देखा है कि वहाँ पर भी भांग से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। तो आपको कपूर के और जो है कपूर आप उसमें मिला सकते हैं, और उसके साथ साथ जो है भांग अगर आप मिलाते तो ये बहुत अच्छा होता है। भांग की जगह पर आप चंदन जो है वो भी इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं दोस्तों, और बेलपत्र का चूर्ण, ये 8 चीज़ें आपको मिलाना है। मैं फिर से आपको एक बार कहता हूँ, आपको दही लेना है, आपको दूध लेना है, आपको मिश्री लेना है, आपको घी लेना है, आपको जो है शहद यानी मधु लेना है, उसके साथ बेलपत्र का चूर्ण लेना है, आपको कपूर लेना है, चंदन या फिर भांग आप मिला सकते हैं। चंदन और भांग जो है आप दोनों चीज़ ही मिला सकते हैं,
हैं, और इसके साथ साथ जो है ना आप इसमें अगर थोड़ा सा गंगा जल भी मिलाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। गंगा जल जब आप मिला रहे हैं तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि गंगा जल अगर आप मिलाते हैं तो आप केवल शुद्ध गंगा जल ही उसमें मिलाइए, किसी दूसरे प्रकार की जल का उसमें मिश्रण मत करिएगा। गंगा जल जब भी आप किसी वस्तु में मिलाते हैं दोस्तों तो उसमें कभी भी जो है दूसरे जल का मिश्रण नहीं करना चाहिए, केवल शुद्ध गंगा जल अगर आपके पास संपूर्ण रूप में है तभी आपको वो चीज़ उसमें मिलाना चाहिए। तो इस माध्यम से आप जो है ना भगवान शिव के अभिषेक कर सकते हैं इन 8 चीज़ों से। वैसे अगर आप गंगा जल अलग से नहीं मिला रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि इन 8 चीज़ों से या फिर पंचामृत से जो है आपने अभिषेक कर दिए, उसके बाद आप गंगा जल से, जैसे शुद्ध जल से एक बार भगवान को नहलाया जाता है, उसी तरीके से जो है ना आप गंगा जल से भगवान शिव का एक बार जलाभिषेक कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों, आपको इन 8 चीज़ों से भगवान शिव का अभिषेक करना है और उसके बाद गंगा जल से भी अभिषेक करना चाहिए। बहुत सारे लोग एक काम करते हैं कि जो नारियल के पानी होते उससे भगवान शिव को नहलाते हैं और हल्दी कुमकुम भी लगाते, ये आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में कभी भी जो है ना नारियल का पानी नहीं चढ़ता है और उसके साथ साथ जो है ना कभी भी हल्दी कुमकुम का टीका उन्हें नहीं लगाया जाता है। भगवान शिव को केवल जो है आप भस्म जो है वो चढ़ा सकते हैं और चंदन जो है वो आप चढ़ा सकते हैं, जो श्वेत चंदन होता है। माता पार्वती की अगर आप पूजा कर रहे हैं भगवान शिव के साथ, जो कि करना ही चाहिए, उन्हें आप जो है हल्दी और कुमकुम का टीका चढ़ा सकते हैं दोस्तों। वैसे अगर आप नारियल जो है, गोटा नारियल जो है वो अगर आप भगवान को चढ़ाना चाहते तो वो चढ़ा सकता है, पर नारियल के जो पानी है उससे कभी भी भगवान शिवलिंग की जो है अभिषेक नहीं होती है दोस्तों। अगर आपके पास जो है शिवलिंग नहीं है और आप फोटो में पूजा करते तो आप एक ताम्र पात्र फोटो के सामने रख लीजिए और आचमनी से जो है, जिसमें आपने इस पंचामृत को बनाया है, यानी ये 8 प्रकार की जो चीज़ें वो आपने बनाया है, उसे जो है ना भगवान शिव का नाम लेते हुए 8 बार जो है उस ताम्र पात्र में आप अभिषेक कर रहे हैं इस भावना के साथ उसमें दीजिए, और उसके बाद विधिवत जैसे आप पूजा करते हैं उसी तरीके से कीजिए, तो देखिएगा आपका अभिषेक करने का फल भी आपको मिल जाएगा दोस्तों। 8 चीज़ों के नाम मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ दोस्तों। वो है, आपको दही लेना है, घर का बनाया हुआ दही अगर होता है तो वो तो और भी अच्छा होता है, पर आप बाज़ार से भी दही ले सकते हैं। आपको दही लेना है और गाय का शुद्ध दूध लेना है। ये भी विषय एक थोड़ा सा मुश्किल होता है कि गाय के दूध आजकल कहाँ पर मिलेंगे और क्या नहीं, इस सोच में भी बहुत लोग पड़ जाते हैं। तो आप अगर गाय का दूध आपके उस एरिया में नहीं मिल रहा है शुद्ध वाला, तो आप एक काम कर सकते हैं, जो पैकेट का जो दूध होता है, जो अच्छे वाले क्वालिटी वाला जो दूध होता है, अच्छे वाले क्वालिटी वाला जो दूध होता है, जैसे अमूल वगैरह ये सब कुछ जो अच्छे वाले जो होते हैं, जो आप खुद जो है अपने बच्चों को खिलाते हैं, इस प्रकार के दूध जो है ना, अच्छे क्वालिटी वाले दूध का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि पैकेट वाले हैं। वैसे देखिए दोस्तों, आजकल जो है गौशाला से जाकर तो ये सब कुछ लाना संभव नहीं होता है। जो कुछ हमारे घर के आसपास मिलता है, हमारे बाज़ार में मिलता है, वही हमें जो है ना इस्तेमाल करना होता है। बहुत सारे समय जो है बाज़ार 1-1.5 घंटा दूर होता है, तो हमें जो है उसे पहले से इंतज़ाम करके रखना पड़ता है और उन्हीं से हमें पूजा करना। तो मन में किसी भी प्रकार की ऐसी बात मत रखिए और किसी भी हिचकिचाहट मत रखिए। आप जो है भक्ति भाव से जो कुछ भी आपके पास होगा उससे ही अब कर आप भगवान की जो है अभिषेक करेंगे, आराधना करेंगे, तो उसी से आप भगवान के जो है पूजा का फल पा सकेंगे, क्योंकि भगवान सामग्री नहीं देखता है, वो आपके भक्ति देखता है। तो आपको दही लेना है, दूध लेना है, आपको मिश्री या फिर शक्कर लेना है, उसके साथ साथ घी लेना है अच्छे वाले, उसके साथ साथ शहद आपको ले लेना है, बेलपत्र का, सूखे बेलपत्र का चूर्ण जो है वो आप डालिए, उसमें थोड़ा सा कपूर आप डालिए, और उसमें जो है ना भांग अगर आपको मिलता है तो वो आप डालिए। भांग अगर आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भांग हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो उसकी जगह पर आप थोड़ा चंदन का पाउडर भी जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर घिसा हुआ चंदन भी आप उसके भीतर मिला सकते हैं, पर चंदन जो है वो सफ़ेद वाला होना चाहिए भगवान शिव के पूजा में, इसका आप ख्याल रखिए। तो इस तरीके से जो है ना आप भगवान शिव की अभिषेक करिए, देखिएगा ये बहुत ही आपके मन को तृप्त करेगा।
खासकर सोमवार के दिन आप करिए इस तरीके से अभिषेक। प्रतिदिन अगर कर पाते तो प्रतिदिन कीजिए, और अगर जो है आप किसी भी दूसरे दिन नहीं कर पाते तो कम से कम जो है सावन का जो शिवरात्रि है उस दिन आप इस तरीके से भगवान शिव की अभिषेक ज़रूर करिए दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? क्या ये इस वीडियो से आपने कुछ नई चीज़ सीखे, और क्या आप इस तरीके से अपने घर में अभिषेक करते या फिर और भी ज़्यादा सामग्री और भी ज़्यादा वस्तुओं के साथ जो है आप द्रव्यों के साथ जो है आप अभिषेक करते हैं बाबा के, आप मुझे वो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।